नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए और तत्पश्चात इसे लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और हमें आर्थिक सहायता भी करें। जैसे मैं आपको लगातार 370 पर अपडेट कर रहा हूं, तो ये बता दूं कि कल यानी गुरुवार को 10वां दिन था 370 के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं उसका, और 10वें दिन अंत में समय दे दिया गया है रिस्पोंडेंट्स को यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना पक्ष रखने के लिए। 9 दिन तक सारा का सारा पक्ष रखा था पेटिशनर्स ने, क्योंकि कुल 26 पेटिशन्स थी और कुछ तो एक से एक वाहियात भी थी, जैसा कि मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ। अब जब यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से उन पेटिशन्स का उत्तर देना आरंभ किया गया, तो जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में यह कायदा होता है कि यदि अटॉर्नी जनरल उसमें प्रेजेंट हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल लगातार वहाँ पर उपस्थित रहे थे और निश्चित रूप से, क्योंकि आर्टिकल 370 की जो महत्ता है, जो उसका महत्व है भारत के इतिहास में, उसको जो निष्प्रभावी किए जाने का महत्व है, वो मुझे लगता है कि राम मंदिर वाले निर्णय के लगभग समकक्ष ही होगा। तो इसलिए अटॉर्नी जनरल वेंकटी रमन जी उपस्थित थे और उन्होंने इसको ओपन किया और एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने अब्राहम लिंकन को कोट किया और अब्राहम लिंकन को कोट करके कहा कि भाई ऐसा है कि यदि कभी ये चॉइस लेने की आवश्यकता पड़ जाए, कभी ये चुनना पड़े कि नेशन रहेगी या कि कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, तो भाई नेशन को चुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यदि किसी एक अंग के सड़ने की वजह से जीवन संकट में पड़ जाए, तो उस अंग को काट के फेंक दिया जाता है, एम्प्यूटेट कर दिया जाता है, जिससे कि जीवन बच जाए। उस अंग को बचाने के लिए जीवन का बलिदान नहीं किया जाता है। तो इस पर एक टिप्पणी की थोड़ी सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, उन्होंने कहा कि भाई आप यह कह रहे हैं कि एंड जस्टिफाइज द मींस, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने हमने प्रोसीजर अपनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज में था और ये हम सिद्ध कर देंगे। लेकिन मैं ज़रूर इसका उत्तर देना चाहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि भाई ऐसा है कि ये जो एंड जस्टिफाई द मींस वाली बात है ना, ये पूरा का पूरा गांधीयन दर्शन है और ये परम मूर्खता की बात है, क्योंकि इस प्रकार का दर्शन कभी भी किसी भी विकसित समाज में और विकसित राजनयिक स्थिति में या विकसित देश में नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जब देश को बचाना होता है, देश की सीमाओं की रक्षा करनी होती है, तब हम युद्ध में जाते हैं और युद्ध के माध्यम से दुश्मन की जान लेकर, उसको नुकसान पहुंचाकर, उसके टेरिटरी पर कब्जा करके या उसके अन्य जो उसके साधन हैं और या उसके अन्य जो इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान पहुंचा के, उनको डैमेज करके, और हम अपने देश की रक्षा करते हैं। हम युद्ध को क्या मानेंगे? हम ये युद्ध को भी मानेंगे कि साहब कि ये तो बड़ा ख़राब तरीका था, तो इसको ख़राब तरीके को नहीं अपनाया जाना चाहिए, और देश जाए तो जाए, लेकिन हमारे जो तरीके हैं वो बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। गांधी जी तो यही कहते थे ना। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई पूरे पश्चिमी देशों को हिटलर के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, हिटलर यदि चाहता है पूरे विश्व पर राज करना तो उसको कर देना चाहिए। ये जो एंड जस्टिफाई द मींस वाली जो बात कह रहे हैं, तो ये एक परम मूर्खता की बात है और हमारे भारत के इतिहास में भी ये कभी आप इसको इस तरह का नहीं पाएंगे कि एंड जस्टिफाई द मींस जो है, यदि इसको कहते तो भगवान कृष्ण महाभारत ना होने देते। अर्जुन तो यही कह रहा था ना, याद करें अर्जुन क्या कह रहा था। अर्जुन तो यही कह रहा था कि नहीं नहीं ये जो तरीका है, ये जो साधन है, ये अच्छा नहीं है।
और इस साधन से जो है वो बहुत नाश हो जाएगा, हमारे परिजन नष्ट हो जाएंगे, हमारा कुल नष्ट हो जाएगा और बहुत अधिक इससे दोष आएंगे और पूरा का पूरा जो जीवन है वो दूषित हो जाएगा, देश दूषित हो जाएगा। तब धर्म और अधर्म में अंतर समझाया था और ये समझाया था कि जब कर्तव्य के लिए जब युद्ध किया जाता है तो उसमें संलिप्तता नहीं होती है। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ 18वें अध्याय का 17वां श्लोक, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा सहिमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। इसलिए इस बिंदु पर मैं समझाना चाहूँगा हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि आप कृपया भगवद गीता का अध्ययन करें और उससे आपको समझ में आएगा कि ये जो एंड जस्टिफाई द मीन्स वाली जो बात है या कि साहब की यू नीड प्योर एंड्स और प्योर मीन्स, ये नितांत मूर्खता की बात है और ये गांधीवादी दर्शन जो है वो कभी भी व्यवहार में उपयोग में नहीं लाया गया है, न लाया जाता है, न किसी अन्य देश में और न कभी भारत में। ये केवल एक गांधीवादी सनक थी और वो सनक गांधी के साथ चली गई। उसके बाद भी जब इसका थोड़ा बहुत उपयोग करने का प्रयास किया नेहरू जी ने, तब आपने देखा कि 1962 में क्या हुआ। उसके बाद से हमने वो मूर्खता दोहराई नहीं है, कृपया आप भी ना दोहराएं। लेकिन उसके बाद जो सारी चर्चा हुई और तुषार मेहता ने उसके बाद फिर मोर्चा संभाला और पूरे दिन तुषार मेहता आर्ग्यू करते रहे, और अभी तुषार मेहता तो मुझे नहीं लगता कि अभी उन्होंने 1/3 भी आर्ग्यू किया है, और वो लगातार बात करते रहे। और सबसे जो बड़ा उन्होंने काम किया कि वो पूरा का पूरा जो झूठ का पुलिंदा कपिल सिब्बल तो कम और बाकी लोग जो थे खासतौर से जफर शाह इत्यादि ने यहाँ पर फैलाया था, बाद में दुष्यंत दवे इत्यादि ने जो फैलाया था कि साहब की ये इंटरनल सॉवरेनिटी थी कि महाराजा हरि सिंह ने जो साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वो विशेष था। वो विशेष इसलिए था कि जितने भी 562 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें जम्मू कश्मीर अकेला था जिसके पास अपना संविधान था, वो एक विशेष परिस्थिति थी, वो एक विशेष स्टेटस का था और उसी विशेष स्टेटस के कारण उसको 370 का लाभ दिया गया। बकवास। और यह है तथ्यों के माध्यम से सिद्ध कर दिया तुषार मेहता ने, और यह बताया कि उस समय जो 562 में से या 556 में, कई बार जो ये संख्या जो है ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि कई जो है वो बाद में आए थे, जिस समय जम्मू कश्मीर आया था उस समय संभवतः 556 ही थे, तो वो जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें से 62 के पास अपना स्वयं का संविधान था। और हमारे कपिल सिब्बल गैंग क्या कह रहा था कि केवल जम्मू और कश्मीर के पास था इसलिए उनको 370 दिया गया। एक बात उन्होंने वही बताई जो मैं लगातार कहता आ रहा हूँ और जो मैंने स्पष्ट रूप से अंकित किया है अपनी पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया में, कि वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो बाकी 550 से अधिक प्रिंसली स्टेट्स ने हस्ताक्षर किया था, वही एग्जैक्टली सेम वर्ड फॉर वर्ड शब्द बाय शब्द वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था। तो ये एक झूठ जो है ये और एक्सप्लोड कर दिया गया कि भाई जम्मू कश्मीर का एक्सेशन इसलिए हुआ था। जम्मू और कश्मीर का एक्सेशन क्यों हुआ था वो उन्होंने सरदार पटेल का वक्तव्य पढ़ के सुनाया। सरदार पटेल ने क्या बताया, वीपी मेनन ने अपनी पुस्तक में लिखा है, और ये कहा है कि भाई ये उस समय की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से निपटने के लिए उस समय यह आवश्यक था, लेकिन निश्चित रूप से देश जो है वो इतना सशक्त है कि वो देश इससे बाद में निपट सकता है, इसको समाप्त कर सकता है। तो जब यह बात यहाँ स्पष्ट रूप से आ गई तो ये जो पूरे की पूरी जो इंटरनल सॉवरेनिटी की जो बात थी वो तो हो गई ध्वस्त, क्योंकि इंटरनल सॉवरेनिटी को बता दिया तुषार मेहता जी ने कि साहब कि ये ऑटोनॉमी को इंटरनल सॉवरेनिटी से कंफ्यूज कर रहे हैं, और यदि ऑटोनॉमी की बात की जाए तो स्टेट लिस्ट जो है शेड्यूल 7 की जो स्टेट लिस्ट है जो
स्टेट के मैटर्स हैं उसमें स्टेट पूरी तरह से ऑटोनोमस है, जैसे पुलिस, जैसे रेवेन्यू, जैसे कुछ आइटम्स हैं टैक्सेशन के, वे सब में स्टेट की अपनी एक्सक्लूसिव पावर है, उसमें सेंटर कोई कानून नहीं बना सकती। इस बात को चंद्रचूड़ जी ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने इससे सहमति व्यक्त की, उनका जी हाँ ये आपकी बात सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने आप में ऑटोनोमस हैं। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया स्वयं सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑटोनोमस है अपनी फंक्शनिंग में पूरी तरह से, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इंटरनली सॉवरेन हो गया। तो अब इससे आपको क्या संदेश मिलता है? आपको ये संदेश मिलता है इस वक्त इस कथन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, कि इनका पूरा का पूरा जो एडिफिस था वो मुख्यतः दो बिंदुओं पर आधारित था, और वो दो बिंदु ये थे कि आर्टिकल 370 जो है वो परमानेंट हो गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद में जो प्रोवाइजो था क्लॉज 3 का वो समाप्त हो गया है। उस पर तो अभी बहस आगे होगी, तो मैं इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन आज नहीं करूँगा, क्योंकि वो आगे जब इसके ऊपर और आगे बहस होगी तो उसको फिर हम और विशेष रूप से उसका और उल्लेख करेंगे, उसको और अधिक परिभाषित करेंगे। तो ये जब ऑटोनॉमी वाली जो बात है वो पूरी तरह से क्लियर हो गई कि ये इंटरनली सॉवरेन नहीं है, ये ऑटोनॉमस, ये इनका दूसरा मुख्य आर्ग्यूमेंट है। ये दूसरा मुख्य आर्ग्यूमेंट जो है वो तो पहले ही ध्वस्त हो गया, और जो पहला वाला है परमानेंट का, वो तो आपको पता है कि वो जब कपिल सिब्बल जी से सवाल जवाब हो रहे थे तो कपिल सिब्बल जी उसमें जो है वो उखड़ चुके थे, उनका वहीं पर कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो गया था एक तरह से। अब यहाँ पर ऑटोनॉमी वाला जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है, जो इंटरनली इंटरनल सॉवरेन वाला है, वो दूसरा आर्ग्यूमेंट भी समाप्त। 370 पर सरकार की ओर से ज़बरदस्त जवाब दिया जा रहा है, और उस जवाब से जो सामने वाले हैं वो इतने उखड़े हुए हैं कि वो बीच बीच में तरह तरह के बगैर मतलब के बच्चों की तरह के ऑब्जेक्शन लगा लगा के और डिस्टर्ब करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जब कोर्ट कर रहे थे तुषार मेहता सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो कपिल सिब्बल खड़े होकर कुछ बोलने लगे, तब उन्होंने उनको काउंटर किया कि तुम तो एजी नूरानी को कोट कर रहे थे जिसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यह 370 का अपडेट बढ़िया चल रहा है, और ऐसा लगता है कि 370 को निष्प्रभावी करने वाला जो निर्णय था वो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।